हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. दिस इज कृष्णा कुमार, इंडिगो कैट पायलट, नाउ रेडी फॉर टेक ऑफ. सो टुडे इज 4th of April 2024 एंड टुडे इज द डेट ऑफ LOI साइनिंग विद इंडिगो एयरलाइंस. सो इट्स 7:30 अर्ली इन द मॉर्निंग. माय फैमिली हैज अराइव्ड टू गुड़गांव. रात भर ट्रैवल करने के बाद मेरी फैमिली पहुंच चुकी है 7:30 बजे गुड़गांव, और ये 7:30 अभी टाइम हो रहा है. एंड फाइनली मम्मी ने डिसाइड करा कि मम्मी को ये वाली साड़ी पहनना है, और धीरे धीरे हम भी तैयार होना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि 8:30 रिपोर्टिंग टाइम है वहाँ पे. और पहले दिन ही वहाँ पे लेट जा करके अपना इम्प्रेशन डाउन नहीं करना है. सो बी रेडी. और सुबह सुबह कैब की अवेबिलिटी ना होने के कारण हमने बुक किया है ऑटो हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के लिए. हर बार की तरह मेरी सिस्टर आज भी 15 मिनट लेट पहुंची है, बट कोई बात नहीं. मेरी सिस्टर मेरे पायलट बनने की सफर में इन्वेस्टर के तौर पे काम कर रही है, सो आज उन पर मैं गुस्सा भी नहीं कर सकता. और यहाँ पे इंडिगो की टीम ने हमें बुलाया, और जितने भी सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स थे उन्होंने मेरे को दिया एक बार रीड आउट करने के लिए. और यहाँ पे ये रहा 43 ईयर स्कूल का वीडियो चल रहा है, जहाँ पे गार्जियंस काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं. और इतने ही देर में तपेश सर आ गए, और वो हम लोगों से एक एक करके इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, और जितने भी कैडेट्स थे सारे ने इंट्रोडक्शन दिया. उसके बाद हमारे को टाइम मिलता है फ़ोटो शूट के लिए तपेश सर के साथ, और सारे बच्चे स्टेज पे आते हैं फोटोग्राफ्स खिंचवाने के लिए है. और ये जो सर हमारे साथ बीच में हैं वो इंडिगो की तरफ से हैं, और जो सर हिमांशु सर जो साइड में हैं वो भी इंडिगो की टीम से हैं. एंड वी आर क्वाइट हैप्पी टू हैव अ फोटोग्राफ विद देम. फ़ोटो शूट अभी चल ही रहा है, 3-4 तरीके के फोटोज़ लिए गए हैं. उसके बाद इंडिगो की टीम से हमें बोला जाता है कि आपने जितने भी ज़रूरी के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप सीरियली अरेंज कर लो, और हम लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं. इन द मीन वाइल माई सिस्टर इज एंजॉयिंग द बुकलेट ऑफ इंडिगो एयरलाइंस, एंड नाउ दिस इज द बुकलेट ऑफ इंडिगो एयरलाइंस दैट वी हैव गॉट आफ्टर रीचिंग देयर. एंड सारे डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस वेरीफाई करने के बाद इसके बाद हम लोग को भेज दिया जाता है ब्रेकफास्ट करने के लिए. और ब्रेकफास्ट करने के बाद जब हम लोग वापस आते हैं तो फिर से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को एक बार चेक कर लेते हैं कि सीरियली है या नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट हमारा मिसमैच है या नहीं है. इसमें जो हमारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, क्लास 10 क्लास 12 एंड पासपोर्ट, क्लास 1 मेडिकल, सारे रिक्वायर्ड थे अलॉन्ग विद द ओरिजिनल्स ऑल्सो. और यहाँ पे सामने में चल रहा है हमारा 43 ईयर स्कूल का वीडियो. जो लोग वहाँ पे अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं उनकी कुछ वीडियोस यहाँ पे चलाई जा रही हैं, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू सी दिस पाइपर एयरक्राफ्ट, बिकॉज इन द मीन वाइल टाइम वी आर ऑल्सो गोइंग टू फ्लाई दिस एयरक्राफ्ट. और इसके बाद हो जाता है लंच. लंच हम अपनी पूरी फैमिली के साथ इंजॉय करते हैं. लंच काफ़ी टेस्टी था. और Hi, my name is Krishna Kumar. I'm a mathematics graduate from Patna, Bihar. Currently, I'm a drone instructor in Food Institute of Drone Technology and Research, as well as decided to become a commercial pilot with InSight Aviations, having a tie-up with 43 Air School, South Africa. Whoa, what inspired you to choose aviation as a career? Actually, I just love to just visit the places and all. So I just want to become a pilot, and it's a fascinating job, it's a glamorous job, it's a high paying job, and as well as I can get a better reward and reputation with my family as well as in my state district also. And I just want to set a motto to all over the Bihar people, because over there what I have seen, the people are totally engaged in the government job. So
So I just want to become a marker for them that not only the government job is an option for a career, even you can choose the aviation as a career. So that is a good field and I think you will get a better reward than the government job here. Key things that convinced you to join Insight Aviation? Okay, the basic key functions of this site are like, it is like very easy documentation and all this process. And the team are very cooperative and they always reach to us when they require something else, and nothing is on like a fast and like a hurry basis. I mean, so they give each and everything type of the facility that a cadet needs basically to become a pilot. Their trainings is also very nice, and as I have heard from most of my friends who is a cadet pilot with Insight Aviation, so they are appreciating a lot the 43-year school as well as the Insight team as well. So that's why I chose the Insight Aviation. And what is the most exciting part about this training that you're looking forward to, which you just think, yeah, I can't wait to experience this, the most exciting thing you're waiting for? The first flight that I just want to do, like having a sail in the cockpit, I just want to see the sky from the front view of the aircraft. Basically, I hardly used to fly as a passenger, but now I just want to become a pilot and then I fly and I want to see the sky from the cockpit. So that thrilled me most. Would you recommend Insight Aviation to your friends? Yeah, obviously, if anybody would like to become a pilot, so definitely I would recommend them only to choose the Insight. Not only because that I am going from here, because a lot of factor that I can't mention here, but if they reach us, so definitely I can play the basic features and all these things, so that they can also choose and join the Insight and make their career very well. इनका पापा का इच्छा था सरकारी जॉब करने के लिए, सरकारी तैयारी कीजिए, और इसको इच्छा नहीं था, सब दिन से इसको इच्छा था यही पायलट ही बनने। पापा बोले ठीक है जाइए, आपको इच्छा था तो कीजिए, हम लोग साथ दे रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं, अब अच्छा लगता है। ये सरकारी नौकरी से ज्यादा बढ़िया है। हमको तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। बच्चा हमारा आगे बढ़ गया, वो इसे बढ़ के कुछ नहीं। एक दिन आपको दुनिया घुमाए। इसके बाद हमें बुलाया जाता है कुछ डॉक्यूमेंट्स पे डिजिटली साइन करने के लिए। जो भी हमारे पास 3 लेटर मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, उन सभी पर डिजिटली साइन करवाया जाता है। और यहीं पे हमारा पहली बार डिजिटली साइन इन्होंने बनाया और सेम साइन इन्होंने अपलोड किया सारे डॉक्यूमेंट्स पे। इवन हर एक पेज पे आपका डिजिटली साइन होगा। और इसके बाद सारे पेज पर डिजिटली साइन होने के बाद ये हमारा फुल सिग्नेचर, एक दो जगह पे रिक्वायर्ड था तो वो भी डिजिटली साइन ही अपलोड किया गया है। और उसके बाद यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस चल रहा है और हमारा डॉक्यूमेंटेशन का पूरा काम। इसके बाद हम सारे कैडेट्स ने मिलकर के लिया अपना लाइफ टाइम मेमोरेबल फोटोग्राफ्स, और हम लोग सारे लोग काफ़ी खुश थे बिकॉज फाइनली सभी का LOI साइन आज पूरा हो गया सक्सेसफुली। क्योंकि सारे स्टूडेंट्स जो हैं तकरीबन 2-2.5 महीने से वेट कर रहे थे LOI साइनिंग के लिए, और ये आप देख सकते हैं हम लोगों के चेहरे पे खुशी, बिकॉज एवरीवन इज हैप्पी एक्सेप्ट पेरेंट्स, बिकॉज नाउ दे विल हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑन अस, सो समहाउ दे आर लाइक इन टेंशन कि अब इतना रुपये, करोड़ों रुपये हमें पे करने हैं। और बच्चे तो भाई सब काफ़ी खुश थे, एक को भी देख लो जो आपको यहाँ पे नाराज दिखे, कोई नहीं दिखेगा, एवरीवन इज क्वाइट हैप्पी। इवन मैं भी काफ़ी ज़्यादा खुश था। एंड ये हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं कैडेट्स, वी आर शूटिंग आर लाइफ टाइम मेमोरी, बिकॉज एविएशन की दुनिया में ये हम लोगों का
सबसे पहला कदम है और हम इस सारे मोमेंट्स को कैप्चर कर रहे हैं सो दैट अपने लाइफ में जब हम आगे होंगे तब हम अपने ये फर्स्ट जर्नी को देखेंगे अपने सारे दोस्तों के साथ देखेंगे, बिकॉज अभी हम लोग 22 साल 23 साल कोई 24 साल कोई 18 साल के हम लोग हैं, जब हम लोग काफ़ी 30 साल 35 साल के जब हो जाएंगे तब हम लोग इस चीज़ को बड़ा मिस करेंगे कि वी आर एट द एज ऑफ लाइक 25 20 एंड इट इज़ आवर फर्स्ट फोटोग्राफ इन द एविएशन इंडस्ट्री, सो वी आर जस्ट कैप्चरिंग द मेमोरीज एंड हमारी मम्मी और हमारे साथ हंस राज सर का ये फोटोग्राफ्स लिया जाता है एज अ मेमोरी एंड ही इज़ रियली वेरी नाइस मैन एंड माई मम्मा इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी आफ्टर मीटिंग विद हिम एंड माई सिस्टर इज पैकेजिंग एवरीथिंग because he'll have to wind up and she is getting late for her office and now Bani is also leaving and here I met with her parents, her dad and now the back side that is Bani mom and my and Bani's mom are here and the both the photos are very lovely and finally the program has ended and now we are leaving the Lee Meridian Hotels and we are moving towards our home. So basically we booked a cab from here to my house and let's catch up the videos again and thank you for everybody. Thank you for Insight team. Thank you for Indigo team. Thank you for the staff of the Lee Meridians. Everyone played their role very well. And again, I'm very, very thankful to the team of Insight as well as the team of Indigo. And we are quite happy and we're returning to our home. My sister is on the front seat. Me, my mom and brother is on the back seat. And we are quite happy. We are discussing a lot about this program. And soon we reach our houses.